दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल BDF न्यूज़ में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पूर्वी दिल्ली के GTB हॉस्पिटल में अब से 5 से 6 दिन पहले जिस तरह से अस्पताल में घुसकर कुछ बदमाशों ने एक रियाजुद्दीन नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में मालूम चला कि जिस रियाजुद्दीन को मारा गया था उसका तो किसी भी तरह से किसी बदमाशों से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन इस केस में अब सभी आरोपी पकड़े गए हैं और पकड़े जाने के बाद जो खुलासा हुआ है वो बहुत ही हैरान करने वाला। देखिए दोस्तों, ये कहानी उसी दिन निकल कर सामने आ गई थी कि रियाजुद्दीन का किसी से कोई मतलब नहीं है और वो तो बिना मौत बिना वजह मारा गया। मारा जाना था वसीम को, लेकिन वसीम को वो शूटर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे और जब वो उसे मारने के लिए पहुंचे भी थे तो बदमाशों की पिस्टल जो थी वो जाम हो गई थी और बाद में दूसरे किसी बंदूक से उसे मारकर वहाँ से फरार हुए थे। दरअसल एक बातें और निकल कर सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि वसीम को मारने के लिए पूरी रेकी की गई थी। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्याकांड के खुलासे के बाद अब क्या कुछ निकल कर सामने आया है, दरअसल इस पूरे हत्याकांड में कौन कौन से गैंग ऐसे पूर्वी दिल्ली में आज के मौजूदा वक्त में एक्टिव हैं जिनको लेकर अब गैंग वॉर की आशंकाओं से भी इनकार नहीं किया जा रहा है, इन सारी बातों को आपको विस्तार से एक एक बातें बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ इस वीडियो का उद्देश्य, जो मैंने बताया GTB फायरिंग मामले में जो 3 आरोपी थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं और इनमें एक नाबालिग सरगना भी शामिल है। अब देखिए पूरी कहानी अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो शाहदरा जिला पड़ता है दिल्ली का। स्पेशल स्टाफ और GTB एनक्लेव थाना की जो पुलिस है इन दोनों टीमों ने संयुक्त कार्रवाई की है और जो सनसनीखेज शूट आउट हुआ था इसका खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग एक गैंग है, नाम अभी नहीं ले सकते, इनके साथ ही 2 आरोपियों को पकड़े हैं, 2 शूटरों को पकड़े हैं जिनका नाम सैफ है, एक का जो 19 साल का है और दूसरे का नाम फैजान है, इसकी उम्र 22 साल की बताई जा रही है। ये दोनों दिल्ली के ही सीलमपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और माफ़ कीजिएगा, दूसरा जो है UP के लोनी का रहने वाला है। इस मामले में दिल्ली पुलिस के DCP सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि इस गैंग का सरगना 5वीं तक पढ़ा लिखा है जो आरोपी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके जैसे युवाओं को गैंगस्टर रील के माध्यम से प्रभावित करते हैं, 20-30 नाबालिगों वाली अपनी गैंग बनाते हैं और GTB अस्पताल में हुए शूटआउट मर्डर का ये आरोपी मुख्य आरोपी बता रहे हैं इसे और इसी ने इस शूटआउट का अगुवाई नेतृत्व किया था। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ा कैसे वो मैं अगर आपको बताऊँ तो कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की टीम ने पूरे दिल्ली NCR में करीब 80 किलोमीटर से ज़्यादा के रास्तों के कुल 400 से ज़्यादा CCTV कैमरे हैं उनके फुटेज को खंगाला गया। टेक्निकल सर्विलांस के साथ लोकल इंटेलिजेंस की भी मदद ली गई और दिल्ली समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों के कई जगहों पर दबिश भी दी गई, जिसके बाद ही ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। DCP ने इस मामले में कहा है कि आरोपियों से जो पूछताछ हुई है, पूछताछ के बाद ये मालूम चला है कि गैंग का सरगना नाबालिग मुख्य आरोपी जो अनस था उसको फ़ोन करता है, जिसमें उसने दोस्त अपने एक उसका दोस्त है उसका फैज नाम था, फैज की हत्या में वसीम गैंग का हाथ था और अनस ने जेल में बंद उसके भाई अल्लू को वसीम गैंग के बदमाशों की तरफ से धमकी देने की बात बताई थी। अब जो नाबालिग आरोपी हैं वो अपने दोस्त फैज की हत्या और फिर उसके भाई एक कैफ है उसका नाम, उस पर वसीम गैंग के बदमाशों की तरफ से ब्लेड से हमला किए जाने से काफ़ी ज़्यादा दुखी था और उसी से मारकर बदला चाहता था। अनस ने उस मुद्दे में बताया कि वसीम GTB अस्पताल में एडमिट है और इस वक्त उस पर आसानी से हमला किया जा सकता है। फिर अनस ने वसीम की हत्या की योजना से पहले मुख्य आरोपी को 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और 19 राउंड गोलियां मुहैया करवाई, जिसमें से नाबालिग जो मुखिया था उसने 1 पिस्तौल और 2 मैगजीन ली, जिनमें से सभी के पास 5-5 राउंड थे। उन सब में एक शूटर था, उसे 1 पिस्तौल मिली जिसमें 1 मैगजीन में 5 राउंड और दूसरे मैगजीन में 2 राउंड उसे बताया गया मिला हुआ।
अब देखिए घटना की सुबह फैजान ने सबसे पहले अस्पताल की रेकी की, एक आरोपी ने फिर मोटरसाइकिल की व्यवस्था की और फिर जो नाबालिग सरगना था फैज, सलमान, सावेज, ये सब जीटीबी पहुंचते हैं जहां पर फैजान ने वसीम के वार्ड की सबसे पहले पहचान की। नाबालिगों ने अपने टारगेट का शिकार किया और फायरिंग किया, लेकिन इसके बाद उसके पिस्टल जाम हो गई और उसके साथ जो दूसरा शूटर मौजूद था उसने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हालांकि नाबालिग अपने शिकार की मौत सुनिश्चित करना चाहता था, इसके लिए उसने जल्दी से अपने पिस्तौल को ठीक किया और फिर एक गोली अपने टारगेट पर चला दी। इस दौरान सैफ उर्फ कॉलोनी जो वार्ड पर पहरा दे रहा था वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद ये सभी ऑटो रिक्शा, माफ कीजिएगा, ई रिक्शा और बाइक से फरार हो गए। देखिए दिल्ली पुलिस ने और शाहदरा के स्पेशल स्टाफ ने इन सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद एक नया बवाल देखने को मिल रहा है, वो बवाल ये है दोस्तों, पूर्वी दिल्ली में माया गैंग, हाशिम बाबा गैंग और चेनू गैंग, नासिर गैंग, न जाने कितने गैंग कई सालों से दिल्ली के अंदर इस तरह से दहशत कायम कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि वसीम पर जिस तरह से जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, उसे मारने की कोशिश की गई, इसके बाद दिल्ली में गैंगबो की आशंकाएँ जताई जा रही हैं और जेलों में एक दूसरे जो गैंग के विरोधी बदमाश हैं, विरोधी गैंग के, उन सबको एक दूसरे से दूर किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में टिल्लू ताजपुरिया वाली कहानी दोहराई ना जा सके। बहरहाल वसीम के ऊपर इससे पहले भी हमला हुआ था, लेकिन उस वक्त शूटर वसीम को पहचान नहीं पाए जिसकी वजह से रियाजुद्दीन मारा गया। तो रियाजुद्दीन तो मारा जा चुका है, लेकिन रियाजुद्दीन के परिवार वाले अब इंसाफ मांग रहे हैं कि उनकी उनका जो बेटा था वो बिना किसी वजह के मारा गया, उसकी कोई गलती नहीं थी। इस पे मुआवजे वजह की बात जो है आगे बहुत सारी ऐसे निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो नाबालिग लड़के छोटे छोटे सोशल मीडिया पर रील देखते हैं, गुंडों गैंगस्टरों की वीडियो देखते हैं और इनसे प्रभावित भी होते हैं, और इनसे न सिर्फ प्रभावित होते हैं बल्कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब जगहों पर जाकर इन्हें फॉलो करके इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं, और जो आने वाले समय में इस तरह से निकल कर सामने आते हैं, शायद इनका ब्रेन वॉश किया जाता हो और इनसे ये कहा जाता हो कि अगर तुम ऐसा कर दो तो हम तुम्हें दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कहीं भी हम शिफ्ट कर देंगे। तो इन सब चीज़ों की चाह में ये कम उम्र के, नाबालिग उम्र के बदमाश जो हैं वो इनसे संपर्क में आते हैं और इस तरह से वारदातों को अंजाम दिलवाते हैं। वैसे दोस्तों अब इस पूरे केस का खुलासा तो हो चुका है, क्यों मारा गया और किसने किसको मारने की कोशिश की थी, सारी बातें जो है क्लियर हो चुकी हैं। इस मामले में आपको बताऊं तो जो सभी शूटर हैं फिलहाल पुलिस की कस्टडी में हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है और बहुत सारी बातें अभी ऐसी और हैं जो निकल कर सामने आनी बाकी हैं। इस खबर पर दोस्तों अपनी राय रखिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अपराध जगत की खबरें, कहानियां मैं आपको यहां पर बताता हूं और अब कोशिश करूंगा कि आपको रोज़ाना की जो हमारी पॉलिटिकल स्टोरियां होती हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं, इन सभी को आप तक पहुंचाएं। तो उम्मीद है आगे आपको बहुत सब जानकारियां, बहुत सारे अलग अलग वीडियो देखने को हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ नमस्ते, जय।